तुम जानते हो हम श्रीनाथ द्वारे में बड़ी शुद्ध और पक्की रसोई बनाते, और फिर जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां सिर्फ चावल ही चावल बनाते। श्रीनाथ में चावल नहीं बनाते हैं, श्रीनाथ में चावल नहीं पकाए जाते, और जगन्नाथ में चावल ही चावल पकाए जाते। क्या मतलब हुआ? चावल की रसोई वो फिर कच्ची रसोई हो गई, और जगन्नाथ श्रीनाथ भंडारे में पक्की रसोई बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में वहां चावल नहीं होंगे, सतयुग में भी चावल तो पैदा होते हैं, वहां सभी कुछ होगा। वहां क्या क्या होता है सो तो तुम आगे चल करके देखेंगे। तो सवाल यह हुआ कि जगन्नाथ भंडारे में जो चावल का भोग लगाते हैं वो चावल क्या चीज है? हाँ, जिनका देहाभिमान का छिलका उतर जाता है वो आत्माएं जो हैं वो अच्छी रीति पकाई जाती है। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की जब कट उतर जाती है तो तुमको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई में तुमको अच्छी तरह ज्ञान योग की भट्टी में पकाया जाता है। बल उसको कच्ची रसोई कहते हैं। फिर पक्की भी कभी बनेगी कि नहीं बनेगी? हैं? जब पक्के बन जावेंगे तो फिर उनको क्या कहेंगे? जगन्नाथ कहेंगे या श्रीनाथ कहेंगे? है? अरे नई दुनिया के मालिक होंगे या पुरानी 500 करोड़ की दुनिया के मालिक होंगे? है? नई दुनिया के मालिक होंगे तो श्रीनाथ हो गए।